हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका यादव और आज आपसे बात करने वाली हूँ वर्ल्ड वाइड समस्या यानी कि हेयर फॉल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, मेल फीमेल कोई भी हो, उसको हेयर फॉल की कंप्लेंट रहती ही है। अब मैं कितने सारे पेशेंट मेरे इतने हैं जिसके भी शादी भी नहीं हुई है और वो मेल है, फिर भी उसको इधर बाल्डनेस हो गई है। तो उसको मैंने एक मेरवेलियस इफेक्ट देने वाली मेडिसिन दी और वो सारे के सारे लोगों को बाल्डनेस चली गई और उसकी शादी भी हो गई है अभी। तो आज आपकी कोई भी समस्या हो, यदि आप हेयर वॉश करने जाए और बालों का इतना गुच्छा आपके हाथ में आ जाता हो, बाल आपके जड़ से गिर रहे हो, प्री मेच्योर ग्रेइंग है यानी कि आपके बाल अब जवानी में ही सफ़ेद हो चुके हैं, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन वर्क करने वाली है। आपको कोई भी कंप्लेन होगी, कोई भी कोज होगा, लेकिन आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो उसकी सिर्फ एक ही मेडिसिन है और वो इतनी मार्वेलस इफेक्ट वाली है कि आप मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते थकेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सारी मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, वीडियो एंड तक देखते रहेगा। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे कोई भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो को देख सकें। और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन रेड है उसको वाइट दीजिए तो सब्सक्राइब हो चुका है। पास में वाला बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी नया अपडेट आए वो आपको मिलता रहे। मैं हर संडे लाइव भी आती हूँ 11 बजे, तो वो भी आप देख सकते हैं, यानी कि मेरे कोई भी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हेयर फॉल के बारे में। जैसे मैंने बोला, हेयर फॉल के बहुत सारे कोजेस होते हैं, उसमें सबसे पहला कोज है स्ट्रेस। ये भाग दौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल नॉर्मल है, लेकिन हेयर फॉल के डेली आपको 100 बाल गिरते हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन वो रिगेन होना चाहिए। आपके हेयर फॉलिकल एक्टिव रहने चाहिए और नए बाल बनाते रहने चाहिए। अगर ये नए बाल ना बनते रहे तो कंप्लेन होती है, तो उसके बारे में ये मेडिसिन वर्क कर लेगी। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है एनीमिया। यदि आपको डेफिशिएंसी है आपके प्रोटीन की, या फिर आपको एनीमिया है, या फिर आपको विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, ये सारी बातों में आपको हेयरफॉल होगा। तीसरी बात आती है डिजीज़। आप यदि आप प्रोलॉन्ग डिजीज़ हॉस्पिटलाइजेशन के गुजर रहे हैं या प्रोलॉन्ग डिजीज़ आपको हुआ है, तो उसकी वजह से जो वीकनेस आ जाएगी, जो आपके अंदर हॉर्मोनल चेंजेस होंगे, जो आपके ऑर्गन्स में इंसेंस में चेंजेस होंगे, वीकनेस आएगी, आपको विटामिन न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, उसकी वजह से प्रोलॉन्ग डिजीज़ की वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। चौथी बात आती है हॉर्मोन्स। फीमेल में मेंस्ट्रुअल, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, ये दौरान बहुत ज़्यादा हॉर्मोन में अप डाउन रहता है, तो उसकी वजह से भी हेयरफॉल रह सकता है। अब बात आती है फंगल इन्फेक्शन, यानी कि आपको फंगल इन्फेक्शन होगा तो पेच एरिया में बाल्डनेस होगी, यानी कि आपको जो पूरे स्काल्प में से हेयर फॉल नहीं होगा, एक एरिया होगा वहाँ पर पेच बन जाएगा, वहाँ पर हेयर नहीं आएंगे भी नहीं और उस ये पेच एरिया डेवलप हो जाएगा, वो बाल्डनेस भी मेडिसिन से क्योर हो जाएगी, सो डोंट वरी। दूसरा आता है जीनेटिक डिजीज़, यानी कि आपको कोई जीनेटिक डिजीज़ है तो आपको हेयर लॉस हो सकता है। अब बात है कैंसर की बात, तो कैंसर में भी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होगा और उसकी कीमोथेरेपी इतनी हार्ड होती है कि आपके पूरे के पूरे स्काल्प में से हेयर चला जाएगा और ये जो हेयर रिगेन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सारी बातें थे हेयर लॉस के बारे में। अब बात करते हैं हेयर लॉस की जो समस्या है, यानी कि जो उसकी मेडिसिन के बारे में। तो ये मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है फ्रेंड्स के आपको एक वीक यूज़ करेंगे तो उसके आप जो पुराना वाला हेयर ग्रोथ था वो वापस आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले बात आती है मसाज वाली मेडिसिन की, यानी कि आपको मसाज करने हैं अपने स्काल्प में मेडिसिन के। उसके लिए आपको जो मीडियम होगा वो है ऑयल, आप ले सकते हैं आलमंड ऑयल, देख सकते हैं आलमंड ऑयल कितना बचा हुआ है, क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ पे आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, रात को चंपी कर लेती हूँ आलमंड ऑयल से अपने बालों में, और सुबह उठकर मैं अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ, ये बहुत अच्छा रहता है आलमंड ऑयल। दूसरा आता है जो ऑयल आते हैं वो कोकोनट ऑयल, तीसरा आता है कैस्टर ऑयल। तो ये तीन ऑयल आपको मीडियम में लेना है। और बात आती है मेडिसिन की, तो मेडिसिन ये है अर्निका मदर टिंचर, देखते हैं कितनी बड़ी बोतल है, क्योंकि मैं अपने सारे पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ और मेरे लॉट्स ऑफ पेशेंट को हेयर फॉल की जो कंप्लेंट थी वो चली गई है और अभी तक मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। दूसरी बात आती है जबोरंडी, अर्निका मदर टिंचर लेना है और आपको लेना है जबोरंडी मदर टिंचर।
ये दोनों मधु टिंचर आपको मिला लेनी है एक बोतल में, यानी कि ये दोनों मधु टिंचर ये आपको 15 ml लेना होगा और ये 50 ml लेना होगा, यानी कि कुल मिलाकर हो गया 100 ml। ये 100 ml वाली एक बोतल में भर दीजिए और फिर आप लीजिए कैस्टर ऑयल। यदि आपको वीकनेस नए हेयर फॉलिकल नहीं आ रहे हैं किसी वजह से और आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है और जो ग्रोथ हो वो आधा हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर कंप्लेन है, तो आपको लेना है कैस्टर ऑयल, क्योंकि कैस्टर ऑयल क्या है वो नए हेयर फॉलिकल डेवलप करने में भी मदद करती है। तो इस तरह कैस्टर ऑयल लीजिए आप, इस तरह से बोल में कैस्टर ऑयल 2 चम्मच लीजिए। कैस्टर ऑयल 2 चम्मच लेने के बाद उसमें डालनी है आपको जो हमारी बनी हुई मेडिसिन थी चबुरंडी और अर्निका, वो मेडिसिन इधर डाल दीजिए आप 20 ड्रॉप्स। और बहुत सारी कंप्लेन है अभी सीवियर में आप है तो स्टार्टिंग में 30 ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको दोनों को मिला दीजिए और उसके बाद अपनी उंगलियों का जादू चलाना है आपको, लेना है अपनी उंगली और उससे इस तरह से एकदम रिलैक्स होके सर्कुलर मोशन में बिल्कुल भी शांत से कोई हरी नहीं करनी है, इस तरह से मसाज कीजिए। उसके साथ साथ आप डिम भी देख सकते हैं और बहुत खुश भी रह सकते हैं। चलिए चलिए, तो इस तरह से आपको मसाज करना है वरना मुझे नींद आ जाएगी। तो इस तरह से मसाज करना है, मसाज आपको पूरे स्काल्प में करके लेना है, इधर पीछे से आगे से पूरे स्काल्प में मसाज कर लेना है। ये मसाज आपको अल्टरनेट डे करना है, यानी कि मंडे को किया ट्यूसडे को नहीं, उसके इस तरह से अल्टरनेट डे आपको करना है मसाज। ये मसाज होने के बाद आप पूरी रात इसको रखिए अपने सिर में स्काल्प में और दूसरे दिन उठकर आप हेयर वॉश कीजिए। हेयर वॉश के लिए यदि आप अर्निका शैम्पू लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये अर्निका शैम्पू कोई भी आपको होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाएगा, यानी कि आप अर्निका शैम्पू यूज़ कीजिए, अर्निका और चबुरंडी का ऑयल यूज़ कीजिए, तो उसके आपको इतनी मार्वेलस इफेक्ट आएगी कि आपको एक हफ्ता, यानी कि 4 बार ये मसाज वाली प्रोसेस होगी, एक हफ्ते में आपका जो हेयर लॉस का कंप्लेन होगा वो बिल्कुल चली जाएगी और नए हेयर फॉलिकल्स भी डेवलप होगी और नए जो ग्रोथ होगा वो इतना अच्छा होगा। अब बात आती है मेडिसिन की, आपको इंटरनल मेडिसिन क्या लेनी है। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन के यानी कि बाल्डनेस होगा है तो आपको लेनी है सेपिया 200 सुबह, दोपहर और शाम को। यदि आपको प्रोलॉन्ग वीकनेस की वजह से हो गई है कंप्लेन तो आपको लेनी है फॉस्फरस मेडिसिन एसिड फोस आपको लेनी है सुबह 200 में, एसिड फोस 200 लेनी है आपको सुबह दोपहर और रात को। ये मेडिसिन लेंगे तो आपको वीकनेस में भी बहुत अच्छा लगेगा और जो डिजीज़ की वजह से थकान या रहता है वो भी होगा और ये जो हेयर फॉलिकल्स है वो नए डेवलप होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी हमारे हेयर लॉस के बारे में। यदि आपको और कोई भी कंप्लेन हो, यदि आपको कोई और भी कंप्लेन हो ये मेडिसिन के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना सजेशन दीजिए, वीडियो कैसा लगा वो मुझे बोलिए। और हाँ, ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक वाला बटन जो है वाइट उसको ब्लू कर दीजिए जल्दी से, यानी कि लाइक हो गया है तो लाइक कर दीजिए पहले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, टेल दी स्टेप।